जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसा है सभी? सब ठीक ठाक होगा शायद। दोस्तों मैं भी ठीक ठाक। दोस्तों एसएससी जीडी में इस बार आया था एनसीबी वैकेंसी। एनसीबी का जॉब प्रोफाइल क्या है दोस्तों, इसका ड्यूटी क्या है, इसका सैलरी कितना मिलेगा, इसका दोस्तों पोस्टिंग कहाँ पर मिलेगा, उसके बाद आपको फैसिलिटी क्या है, फैमिली रखने के लिए सुविधा मिलेगा क्या नहीं, दोस्तों क्या सिस्टम है इसका एनसीबी का, कहाँ रहना पड़ेगा आपको, पैसा आपको कितना मिलेगा सैलरी, सब कुछ इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए, तब नया नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिल जाएगा। दोस्तों एनसीबी का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। दोस्तों आप लोगों को पता हो गया होगा और पहले से भी पता होगा, इस बार एसएससी जीरी में दोस्तों 164 वैकेंसी आया है दोस्तों, क्योंकि इस बार पहला ऐसे वैकेंसी आया है क्योंकि पहले कभी भी नहीं आया था। दोस्तों एनसीबी को बहुत आदमी पता नहीं है क्या है इसका, न्यूज़ में तो देखता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ड्यूटी है इसका क्या है दोस्तों, कैसा है जॉब, बहुत आदमी सोचता है बीएसएफ से आईटीबी हुई ठीक है। अरे दोस्तों एनसीबी के बहुत बढ़िया है दोस्तों, इसके बारे में मैं बोल रहा था, आप वीडियो देखते रहिए। एनसीबी का जो ड्यूटी है दोस्तों, खुफिया एक एजेंसी है दोस्तों, जो भारत ड्रेस में क्या है ड्रग्स, उसके बाद क्या है तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों को इसको क्या है दुरुपयोग को रोकने का काम करते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता हो गया, कोई ड्रग्स बिक्री कर रहा है, कोई आपको क्या है ड्रग्स हो गया, उसके बाद आपको क्या है गंजा हो गया, जो हम लोगों का देश में इसमें क्या है मना है ये जो सब कुछ, इसलिए इसमें जो भी आदमी बिक्री कर रहा है बिजनेस कर रहा है, उसके बाद इनको क्या है कानूनी तरफ से बहुत गैर कानूनी है, और इसलिए इसको पकड़ने के लिए इसका मतलब यही इसका क्या है खुफिया एजेंसी का ड्यूटी करता है एनसीबी। और एनसीबी का हेडक्वार्टर मुख्य जो ऑफिस है इसका एनसीबी का न्यू दिल्ली में है दोस्तों, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। और दोस्तों इसका बारे में बात करें तो इसका पोस्टिंग कहाँ होगा, आप इसमें आपको ज्वाइन हो गया है तो पोस्टिंग कहाँ मिलेगा दोस्तों, इसका दोस्तों पोस्टिंग मिलेगा आपको दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, उसके बाद आपको दिल्ली मुंबई चेन्नई, आपको क्या है हैदराबाद जम्मू और अहमदाबाद, आपको ऐसे बहुत जगह में आपको मिल जाएगा। उसके बाद गुवाहाटी भी है इसमें, लखनऊ भी है, जोधपुर भी है, चंडीगढ़ भी है, उसके बाद जम्मू कलकत्ता पटना बहुत सिटी है ऐसे दोस्तों, इसमें आप लोगों को ड्यूटी के लिए आपको मिल जाएगा दोस्तों, पोस्टिंग इसमें हो जाएगा कई। और दोस्तों इसमें एक ही सुविधा क्या है आपको मिलेगा, जैसे आप लोग फोर्स में रहने से आपको बहुत दूर में रहता है आप, इसमें आपको दूर में नहीं आपका घर का नज़दीक आपको मिल जाएगा, मतलब आपको क्या है जहाँ पर आपका क्या है देखिए आपको नज़दीक, जैसे आपका घर क्या है पटना में है, आप बिहार में रह सकता है, उसके जिसका असम में है वो गुवाहाटी में रह सकता है, मतलब जो मेन टाउन होता है उधर ही वो रहता है। एनसीबी का जो आपको पोस्ट निकला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो वैकेंसी निकला है दोस्तों, वो है सिपाही का। सिपाही को क्या बोलता है उसमें, सिपाही बोलता है ग्रुप सी का, नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल, इसका कोई ऑफिशियल कोई काम रहता ना, कोई ऑफिशियल वर्क इसका रहता नहीं है दोस्तों, सिर्फ इसको क्या है ड्यूटी करना है, वर्किंग करना पड़ेगा आपको ड्यूटी बाहर जाके, आपको मतलब इसका ऑफिसर के पास ऑफिसर के साथ आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। उसका बाद आ जाता है आपको जो ड्यूटी होने के बाद आपको मतलब आप इसमें क्या है आपका सैलरी लेवल क्या है, लेवल इसमें है 18,000 से स्टार्टिंग है 56,900, तो इसका क्या है लेवल है दोस्तों, इसमें आपको पैसा कितना मिलेगा दोस्तों, बेसिक पे आपका 18,000 हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है एसएससी जीडी में आपको 21,700 है, बाकी फोर्स में ये एसएससी जीडी के अंडर है, किंतु इनका क्या है पैसा थोड़ा सा कम है किंतु आराम भी बहुत ज़्यादा है। ये सिविल जॉब जैसे आपको मिलेगा, क्योंकि इसका जो ड्रेस कोड है दोस्तों खाकी ड्रेस है और ब्लैक ड्रेस भी ये पहनता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसका बेसिक पे हो गया 18,000, बीए हो गया 38% से 1,840 रुपये, और 27% आपको मिल जाएगा एनसीबी में 4,860 रुपये आपको मिल जाएगा। उसका बाद है टीए है आपको 3,700, इसमें दोस्तों टीए भी मिलेगा कहीं भी जाए आपको, टीए भी इसका ज़्यादा क्योंकि सिटी में हमेशा रहेगा ये फोर्स कहीं जंगल में नहीं जाएगा, कहीं आपको मतलब जंगल हो गया कहीं बॉर्डर हो गया, ये कहीं भी आपको ज़िंदगी का कोई खतरा नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छा फोर्स है। और दोस्तों आप पढ़ाई शिक्षित है मतलब 10+2 बाद ग्रेजुएट है, तब तो आप इसमें एग्जाम देके आप ऊपर तक जा सकता है दोस्तों, मतलब आप ट्रेनिंग के बाद ही आपको मिल जाएगा दोस्तों 40 प्लस है आपको 42-43 तक आपको पे सैलरी आपको बन जाएगा दोस्तों ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग में भी आपको 34-38 तक मिल जाएगा और ट्रेनिंग के बाद भी आपको 45,000 तक आपका रहने वाला है। और ड्यूटी भी देखिए सिविल ड्रेस में भी आपको करना पड़ेगा, आपको आखा की ड्रेस में बहुत अच्छा है ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ड्यूटी दोस्तों। ये फोर्स जैसा नहीं है एनसीबी एसएससी में तो दिया है जरूर, इन फोर्स मतलब जैसे बीएसएफ आईटीबी असम राइफल्स सीआरपी जैसा नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छा है ये। इस जॉब को बहुत आदमी को पता नहीं, इसके अप्लाई भी नहीं किया, और जो अप्लाई किया उसके बहुत खुशकिस्मत वाला है दोस्तों।
दोस्तों आ जाता है इसका फैमिली सुविधा क्या है, फैमिली रखने के लिए आपको सुविधा मिलेगा। दोस्तों ये है आपको, मैं बोला ना आपको सेंट स्टेट पुलिस जैसा जॉब होगा आपको, जैसे आपको क्या है आईबी का हो गया, उसका बस आपको एनआई का हो गया, जो मतलब सिविल डिपार्टमेंट से जैसा है। इसमें क्या आपको फैमिली हमेशा आपको ज़िंदगी लाइफ टाइम आप रख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं आपको फैमिली रखने का, कहीं भी आपको क्या है आप रख सकते हैं फैमिली का, आपको हमेशा उसका ऑर्डर मतलब मिल जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। और बात बाकी खाना पीना भी था सब ठीक है, सरकार भी आपको पैसा दे देगा, इधर जैसे है बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ क्या है आपका ड्यूटी अलग है, आपका पूरा जिंदगी मजा से निकल जाएगा दोस्तों। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और आप पढ़ा है मतलब ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एनसीबी का ड्यूटी यही है दोस्तों, और खुफिया एजेंसी आप लोगों को पता हो गया है। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, बंदे मातरम।